हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासेस। कैसे हो आप लोग सभी? मेरा नाम है दीपक कुमार, सावल क्लासेस अबोहर से। अगर आप लोगों ने लेक्चरर्स की अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स पे किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने अप्लाई किया है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। दो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल नोटिस एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड .com की वेबसाइट पर आए हैं। पहला, फॉर्म फिलिंग की डेट आपकी लेक्चरर कैडर के लिए एक्सटेंड हुई है, और दूसरा, जिन्होंने इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में अप्लाई करना था उनकी क्वालिफिकेशन के अंदर कुछ अमेंडमेंट की गई है। इससे अलग सावल क्लासेस के पेड ग्रुप्स के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं, तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। पहला नोटिस आप लोगों के सामने स्टूडेंट्स, ये नोटिस जारी हुए हैं 7 तारीख को, मतलब कल जारी हुए हैं, 7/5/2021 को ये नोटिस आया है। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो नौकरियां लेक्चरर कैडर के लिए 1 अप्रैल 2021 को विज्ञापन नंबर इसके तहत जो आई थी इस एजुकेशनल जो है ऑफिशियल साइट के ऊपर, तो अब उनमें ऑनलाइन अप्लाई करने की मिति विच दोबारा वादा किया गया है 14 मई तक। तो अगर आप लोगों ने लेक्चरर कैडर के किसी भी सब्जेक्ट में अगर अप्लाई करना हो तो अभी भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो, 14 मई इसकी लास्ट डेट है। पहला नोटिस तो ये है जी, ठीक है। दूसरा नोटिस जो आया है ये भी 7 मई को जारी किया गया है, यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है। इस नोटिस में साफ साफ जो है वो लिखा हुआ है कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधीन ग्रुप वी विच बॉर्डर एरिया दे विच अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स में जो 18 जो न्यू वैकेंसीज हैं, 31 जो बैकलॉग की जो वैकेंसीज हैं, जो इस लेटर नंबर के तहत 1 अप्रैल 2021 को आउट हुई थी, उनमें से जो विद्यक योग्यता थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसमें एक अमेंडमेंट की गई है। इसमें इन्होंने क्या कहा है, अब वो अमेंडमेंट क्या है वो आप देख लो, कि अर्थशास्त्र दे लेक्चरर दी भर्ती लई बीएड विच टीचिंग विषय विच अर्थशास्त्र सोशल साइंस विषय नू योग मन्या जावेगा, भाव एना विषय विचो कोई भी पास किता होवे, अर्थशास्त्र सोशल साइंस ओ उम्मीदवार योग मन्या जावेगा। पहले जो नोटिस आया था उसमें सोशल साइंस मेंशन नहीं था, अब जो अमेंडमेंट की गई है उसमें सोशल साइंस भी मेंशन है, बाकी शर्तें सेम है। मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन इकोनॉमिक्स वालों की ये थी, ये जो आप लोगों के सामने है, जो जो इकोनॉमिक्स वाले कैंडिडेट्स है वो ये देख रहे हो, आपकी पहले क्या आपको कहा गया था कि आपने एमए की हो इकोनॉमिक्स में या अप्लाइड इकोनॉमिक्स में या बिजनेस इकोनॉमिक्स में, 55% मार्क्स मिनिमम, और शुड हैव पास्ड बीएड विद टीचिंग सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो पहले सोशल साइंस का यहाँ कहीं जिक्र नहीं था, यहाँ इन्होंने सिर्फ टीचिंग सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की बात की थी एज पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और ये वो सारा कुछ। तो अब आप लोग देख सकते हो, आप लोग खुद इन दोनों नोटिस को खुद एनालाइज कर सकते हो कि इनका मतलब क्या है। ये आपकी पुरानी क्वालिफिकेशन है, इसमें अमेंडमेंट करके ये किया गया है, तो आप लोग इसको खुद एनालाइज करो कि इस नोटिस में अब क्या कहा जा रहा है। स्टूडेंट, सावल क्लासेस के फ्री व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने लेक्चरर कैडर के लिए ज्वाइन नहीं किए हैं जरूर ज्वाइन करो। आप लोग अपना नाम लिखो, आपका सब्जेक्ट कौन सा है वो लिखो, और व्हाट्सएप के ऊपर इन दोनों में से किसी भी एक नंबर के ऊपर आप मैसेज कर दो, आपको बॉयज़ और गर्ल्स के जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनमें ऐड किया जाएगा। लेक्चरर कैडर की हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिलेगी। लेक्चरर्स के सभी सब्जेक्ट्स में से अभी हम लोगों ने सबसे पहला सब्जेक्ट जिसकी कोचिंग शुरू की है वो सब्जेक्ट है कॉमर्स का, तो कॉमर्स की कोचिंग आने वाली 14 मई से स्टार्ट होने जा रही है। दो अलग अलग इसमें फैकल्टीज रहेंगे, दोनों यूजीसी नेट क्वालिफाइड है। 120 लेक्चर में कॉमर्स का सिलेबस पूरा बढ़िया से कंप्लीट होगा, थ्योरी में 80 लेक्चर एमसीक्यू के। कॉमर्स के अंदर अपनी एडमिशन कराने के लिए आप लोग इन नंबरों पे कॉल कर सकते हो, बाकी सब्जेक्ट्स की जानकारी भी आप लोग को जल्दी मिलेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। सो लेक्चरर कैडर वालों के लिए यही दो नोटिस थे जो ऑफिशियल साइट पर आए थे, मैंने आपके साथ डिस्कस किए। मिलेंगे जी हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।